हेलो फ्रेंड खुशामदीद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक डिजाइन कर चुके थे हेडर। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो टेबल देनी है इस जो आइकन्स में, और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इसको स्टाइल देना है। सबसे पहले ये कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको स्टाइल दे लेता हूँ जो मुझे देना है। यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं 2 पिक्सल्स का दूंगा, और यहाँ पर ये जो यू एल है यहाँ पर मुझे बॉर्डर देना है थिन सा, तो मैंने ये जो हर को बॉर्डर दिया था एच आर टैग को, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसको थोड़ा सा मैं इसका जो ओपेसिटी है वो बढ़ा दूंगा, और रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसका थोड़े से कॉर्नर भी राउंड से हो गए हैं तो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अब हम इसमें टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर टेबल टैग में टी हेड ले लेता हूँ, यानी हेडर का सेक्शन ये टी आर यानी टेबल रो, टी एच टेबल हेडिंग। और यहाँ पर जो है इमेज आ जाएगी पहले तो, और यहाँ पर दोस्तों ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें जो मुझे सेकंड वाला है ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसमें मुझे एक क्लास भी लगानी है विशलिस्ट आइटम की, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या मकसद है। और यहाँ पर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ जाएगा हेडिंग। और यहाँ पर टेबल बॉडी आ जाएगी, टेबल हेड के बाद फिर टेबल रो, और इसके अंदर टेबल डेटा यानी टीडी। और यहाँ पर जो है इमेज आ जाएगी तो टैग ले लेते हैं, और यहाँ पर इमेज, और यहाँ पर जो हम इमेज लेंगे वो तो प्रोडक्ट की होगी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट स्लैश, और मैं इमेज वन ले लेता हूँ, इमेज वन डॉट 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 ये, और इसी तरह प्रोडक्ट का जो है नेम आ जाएगा, तो दिस इज आप प्रोडक्ट नेम। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ये ऐसे ही फिलहाल टेक्स्ट सा लिख दिया है प्रोडक्ट के नेम की जगह, और इसको रिफ्रेश करके मैं दिखा देता हूँ आपको एक दफा। ये देखें ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हम इमेज की सेटिंग करेंगे और इसकी जो है विथ वगैरह सेट हो जाएगी, तो पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं हेडर डॉट ये होगा विशलिस्ट, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर टेबल। ठीक है, वैसे तो क्योंकि मुझे कॉमन सेटिंग चाहिए तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है मैं लूंगा, क्योंकि यही सेटिंग जो है मुझे उसके लिए भी चाहिए जो हमारा दूसरा होगा शॉपिंग कार्ट वाला हिस्सा, तो मैं सेम दोनों में दूंगा। तो यहाँ पर भी जो है बॉर्डर दे देते हैं, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और टेबल में जो इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इमेज आ गई, और इसकी जो विड्थ है वो सेट कर लेते हैं, मैं 60 पिक्सल दे देता हूँ। और अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए अब इस तरह से दिख रहा है। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने क्लास ली थी विशलिस्ट की, तो वो मैंने किस लिए ली थी, तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर सब रिमूव करके विशलिस्ट और यहाँ पर जो मैं इसकी मिनिमम विड्थ है वो सेट कर दूंगा 300 पिक्सल। तब आप देखिएगा कि ये जो पहले थोड़ा कंजेस्टेड सा था, अब देखेंगे ये थोड़ा सा बेहतर नजर आने लग गया है। तो टेबल की विड्थ भी जो है मैं 100% कर देता हूँ, तो आप देखें कि ये कॉर्नर पे आ गई है बिल्कुल, देखें। और फ्रेंड अब हमें यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर देना है ताकि हमारा जो टेबल में रोज वगैरह है वहां पर भी बॉर्डर आ जाए, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिया और रिफ्रेश किया,
आप देखें अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ टेबल में यहाँ पर एक बॉर्डर कोलैप्स की आती है प्रॉपर्टी, उसमें मैं यहाँ पर कोलैप्स लिख दूंगा, बॉर्डर कोलैप्स में कोलैप्स कर दूंगा तो वैल्यूज की। तो ये देखें यहाँ पर अब इसने बहुत खूबसूरत सा बायोटिक का बॉर्डर ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि जो टेबल्स के अंदर आप देख रहे हैं बॉर्डर के साथ ही ये वर्ड्स लग गए, मुझे इनको थोड़ा सा पैडिंग देनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसी को सेलेक्ट करूंगा यहाँ से और पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर जो है टी डी है यानी टेबल जो डेटा है उसमें यहाँ पर मैं पैडिंग ले लूंगा, और टॉप और बॉटम से जो है मेरे को ज्यादा नहीं लेनी, तो मैं 2 पिक्सल दूंगा और राइट और लेफ्ट से 5 पिक्सल दूंगा। अब रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, ये देखें अब पैडिंग आ चुकी है अगर आप देख रहे हो तो। और इसी तरह यहाँ पर अब क्या करना है मुझे, ये टेबल कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और जस्ट यहाँ पर इमेज प्रोडक्ट नेम और यहाँ पर जो पीएच आ जाएगा वो आ जाएगा प्राइस का, यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ P2Y और टोटल, और अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ, और यहाँ पर इन लोगों को जो है क्लास भी दूंगा मैं, एंटर। और इसी तरह यहाँ पर भी ऐड करेंगे हम यानी प्रोडक्ट, यहाँ आ जाएगी प्राइस यानी के जैसे अगर कोई चीज 1200 की है और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी हो जाएगी 2 और यहाँ पर जो हो जाएगी वो 2400 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर क्लास मैं लगा लूंगा सेंटर की पेस्ट, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से 1500 करता हूँ और यहाँ से 3000 कर देता हूँ। और अब आप इसको देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर भी यही आ चुका है। अब इसी के साथ मुझे यहाँ पर क्लास लगाकर इसकी भी मिनिमम विड्थ सेट करनी है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल इसको जो है यहाँ पर शॉप कार्ट आइटम की जो है की क्लास दे देता हूँ, इसकी भी मिनिमम विड्थ इसकी सेट कर देते हैं वही कर देता हूँ यहाँ पर, तो दोनों की सेम हो जाएंगे। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको कार्ट आइटम कर देता हूँ, और जो इसकी एक सेंटर की क्लास है वो भी लगा देता हूँ यहाँ पर, जो हेडर है उसमें मैं यहाँ सेंटर की क्लास है डॉट सेंटर, इसको मैं टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर कर देता हूँ। हाँ रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये इसका आ गया और ये इसका आ गया, और इसकी जो टेबल है भी हाई इतनी है, तो इसको ये छोटी लग रही है इसके हिसाब से, तो ये देखिए ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया, तो मैं इसको इसकी जो मिनिमम विड्थ है इसको अलग ही कर लेता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। मिनिमम विड्थ इसकी जो है मैं सेट कर देता हूँ 450 पिक्सल। अब देखें ठीक लग रहा है, तो ठीक है फ्रेंड, ये वाला हिस्सा हमारा हो गया कंप्लीट। अब नीचे वाला हिस्सा इसका करते हैं कंप्लीट, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर HTML में, और यहाँ पर जो हमारा नेटिव है कंटेनर ब्रांड का इसके नीचे एक और डिश क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ मेन्यू बार क्लास डिश के अंदर, और इसके अंदर मैं एक और डिश लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसकी क्लास जो है मेन्यू,
डिप के अंदर, और एक और डिप लूंगा जिसमें मैं चला सकूंगा सर्च बार। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, UL LI A, और यहाँ पर होम, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। शॉप अबाउट और कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर सर्च का आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमें फॉर्म लेना है, और फॉर्म फॉर्म के अंदर मैं जो एक डिप लूंगा, और इसमें जो है इसको फॉर्म क्लास दे दूंगा, फॉर्म ग्रुप की, और यहाँ पर आ जाएगा इनपुट, और इसकी टाइप आ जाएगी टेक्स्ट, और इसकी क्लास आ जाएगी फॉर्म कंट्रोल ये, और यहाँ पर जो नेम आ जाएगा सर्च आ जाएगा, प्लेस होल्डर भी आ जाएगा सर्च। ठीक है, और यहाँ पर एक इमेज चाहिए मुझे, यहाँ पर मैं इमेज और आइकन चाहिए क्योंकि, तो यहाँ पर आइकन और यहाँ पर जे आइकन कौन सा चाहिए, सर्च .png का है, सर्च .png की हमें आइकन चाहिए, तो मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं ये, लेकिन यहाँ पर आ चुका है हमारा। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो मुझे एक कंटेनर की क्लास भी लेनी है, यहाँ पर मैं यहाँ पर तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये देखें। अब इन दोनों पे मेन्यू पे मुझे मेन्यू बार पे मुझे फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं यहाँ से हेडर डॉट मेन्यू बार और यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट जो है स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम जो है सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये देखें, इसी तरह इसकी अब मेन्यू सेट कर लेते हैं। इसकी विड्थ सेट कर लेता हूँ मैं 180 कर लेते हैं अभी फिलहाल, और इसकी जो है डिस्प्ले इसको भी फ्लेक्स कर देते हैं, और स्पेस जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं स्पेस बिटवीन, और चेक करते हैं इसको। ये मैंने मेन्यू पे लगाया, यूएल पे लगाना था, सॉरी मेन्यू यूएल देखें, और अब इसका यूएल में से जो इसका लिस्ट स्टाइल आइटम है वो भी खत्म करना है, लिस्ट स्टाइल आइटम नम कर देते हैं, यानी कि लिस्ट स्टाइल ये देखें, और यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर LI है उसको, क्योंकि जो इसका एंकर टैग है उसमें जो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको नन करेंगे, और पैडिंग दे देंगे, तो पैडिंग जो है इसकी फाइव पिक्सल की दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, और ये जो हमारा मेन्यू बार है इसमें मुझे थोड़ा सा यहाँ से इसको मार्जिन देना है, तो मैं
बेसिकली इसको जो इसकी पोजीशन है वो हम सेट कर लेते हैं, या मार्जिन दे देते, मार्जिन इसको टॉप दे देते हैं, 20 पिक्सल देते हैं पहले, ये देखें ये अब यहाँ आ चुका है, काफी बेहतर है। और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है अपर करना है, और मार्जिन इसको मुझे देना है बॉटम से 3 पिक्सल देता हूँ, और इसको मेरे को बॉर्डर बॉटम देना है 1 पिक्सल, सॉलिड ट्रांसपेरेंट, और यहाँ से देखते हैं ये हो गया ठीक है। अब इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर जो है इसका वेरिएबल जो है इसके जरिए देंगे डार्क तेज ग्रे, और ठीक हो गया। इसको बोल्ड भी कर देते हैं, इसका जो वेट है ठीक है, और इसमें इसको बेसिकली मैं थोड़ी सी और पैडिंग देता हूँ 8 फुट, ये ठीक है। और अब इसका हावर इफेक्ट देख लेते हैं कॉपी की, और यहाँ पर पेस्ट किया, इसको हावर किया, और यहाँ पर जो मुझे हावर में चाहिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर बॉटम देखें 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट किया ना, मुझे इसको कलर देना है, तो मैं कलर इसी वाला दूंगा डार्क तेज ग्रे। कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करते हैं, आप देखें, और इसका जो बॉर्डर है उसको 2 पिक्सल कर देते हैं, और क्योंकि ये मार्जिन बॉटम ज्यादा हो गया तो मैं इसको 2 पिक्सल करता हूँ, और इसमें ट्रांजिशन लगा देता हूँ 0.5 सेकंड की, तो ये इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा। इसको थोड़ा सा और मैं मार्जिन टॉप जो है ना इसको 30 कर देता हूँ, बाद में कम ज्यादा कर, ये सही है। और अब हम जो है अपना सर्च फॉर्म पे काम कर लेते हैं, हमारा मेन्यू हो गया, अब हम सर्च बार पे काम करेंगे। तो सर्च बार की जो मैं हाइट है, सॉरी विड्थ है, वो सेट कर लेता हूँ। थ्री हंड्रेड पिक्सल रख लेता हूँ, और ये फॉर्म ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर इसके जो पोजीशन है वो मैं रिलेटिव दे देता हूँ, और इनपुट है इसका, और ये जो ठीक है, और ये जो को तो 0 कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे ये इनपुट पे थोड़ा सा काम करना है, इसका जो बॉर्डर है वो मुझे नन करना है,
आउटलाइन 0, ठीक है, ये हो गया। और इसकी जो विथ सेट कर देते हैं 100%, ये हो गया। और इसकी हाइट सेट कर देता हूँ 30 पिक्सल, देख लेते हैं करके पहले। ये ज्यादा है तो 24 सही रहेगी, ये सही है। और इसके जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस है 50 पिक्सल, 30 पिक्सल, देखते हैं पहले, ये बेहतरीन है। और इसमें जो पैडिंग है वो भी देनी है, पैडिंग जो है लेफ्ट और राइट ज्यादा रखनी है और टॉप और बॉटम कम रखनी है। तो यहाँ पर मैं इसको 3 और इसको 8 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखें ठीक है। थोड़ी सी हाइट मुझे कम लग रही है तो मैं इसकी पैडिंग बढ़ा देता हूँ, बल्कि हाइट ही बढ़ा लेते हैं, 28 कर लेते हैं, ये ठीक है। और इसको भी नीचे लाना है, तो यहाँ से ये जो इमेज है इसका राइट तो हमने कर लिया, अब टॉप ही कर लेते हैं। टॉप जो है इसको 5 पिक्सल ही दे के देख लेते हैं, ये बेहतरीन हो गया। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसकी जो हाइट है वो भी सेट कर लेते हैं 30 पिक्सल की, तो ये देखें अब सेट हो गया। और अब बाकी तो मेरे घर में ठीक है, इसको थोड़ा सा 5 पिक्सल करके सही है। और ये 0 कर देता हूँ, तो ये देखें अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इस बार भी आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और ऊपर से यहाँ से मार्जिन देके नीचे कर सकते हैं। तो ये अब मैं यहाँ पे इसको कर्सर चाहता हूँ, तो इसकी जो इमेज है उस पर जब मैं कर्सर लेके जाऊँ तो मुझे पॉइंटर की तरह शो हो, तो मैं इसको यहाँ पर कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ। और जो हमारे आइकन्स हैं ऊपर उन पे भी ऐसे ही कर देता हूँ। तो मैं जैसे कि यहाँ पर अगर ये देखें, अब ये जैसे मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ माउस, तो ये ऐसा शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे आइकन शॉप आइकन की इमेजेस हैं उन पर अगर मैं आइकन लेके जाऊँ तो मुझे इसी तरह से कर्सर नजर आना चाहिए। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें। और ये क्योंकि नीचे जा रहा है आप देख रहे हैं, तो मुझे ये जो इसका मेन्यू है, इसके जो जेड इंडेक्स है वो बढ़ाना है। तो ये जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसका मैं जेड इंडेक्स बढ़ा देता हूँ। जेड इंडेक्स दोस्तों पोजीशन लगी होगी तभी बढ़ेगा, तो यहाँ पे लगी हुई है पोजीशन, तो मैं इसका 100 कर लेता हूँ। तो अब ये देखिए ये सर्च के ऊपर आ रहा है। तो फ्रेंड ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे प्रोडक्ट का, और उसमें जो है इसका मेन जो इसकी बॉडी बनाएंगे पेज की, और उसके बाद उसके अंदर स्लाइडर लगाएंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।